इंदौर के बजरंग नगर में देर रात एक युवती ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। वह मुंबई में टीवी सीरियल में काम करती थी। टीवी एक्ट्रेस की जिंदगी का आखिरी व्हाट्सएप स्टेटस, सबसे बुरा होता है सपनों का मर जाना। सोनी टीवी और कलर्स जैसे बड़े चैनल के कई प्रोग्राम में कर चुकी है काम। लॉकडाउन में काम नहीं होने की वजह से उसने आत्महत्या की है। परिवार के लोग ऐसी आशंका जता रहे हैं। फिलहाल इंदौर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और ये पता लगाने का प्रयास करने में जुट गई है, आखिर मौत की वजह सिर्फ एक कलाकार का करियर का सपने टूटने का डर या पर्दे के पीछे छुपा हुआ कोई और राज। प्रेक्षा तो मौत की आगोश में समा गई, लेकिन अपने मौत के पीछे कई सवाल छोड़ गई जिसके जवाब आने वाला वक्त ही दे पाएगा। वहीं इंदौर के बजरंग नगर में देर रात एक युवती ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। वो मुंबई में टीवी सीरियल में काम करती थी। क्राइम पेट्रोल के भी कई प्रोग्राम में उसने अभिनय किया था। युवती के पिता के मुताबिक लॉकडाउन होने पर वह घर आ गई थी। मुंबई में जिस तरह कोरोना बढ़ता जा रहा है और लगातार लॉकडाउन होने से युवती को लगा कि लंबे समय तक काम नहीं मिलेगा, जिसके चलते डिप्रेशन में आकर यह कदम उठाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह लॉकडाउन की वजह से अभिनेत्री प्रेक्षा मेहता जैसी कई लड़कियां हैं जिनके काम की चिंता है। बता दें कि थिएटर में प्रेक्षा की शुरुआत अभिजीत वाडकर, संतोष रेगे और नगेंद्र सिंह राठौर के नाट्य ग्रुप ड्रामा फैक्ट्री से हुई। मंटू का लिखा नाटक खोल दो उनका पहला प्ले था। इसमें मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स के बाद वो खूबसूरत बहू, बूंदे राक्षस, प्रतिबिंबत, पार्टनर्स, हाँ थ्रिल, अधूरी औरत जैसे नाटकों में काम कर चुकी है। उन्हें अभिनय के लिए भी 3 राष्ट्रीय नाट्य उत्सवों में फर्स्ट प्राइज मिल चुका है। एकल नाट्य सड़क के किनारे में जानदार अभिनय के लिए भी उन्होंने अवार्ड जीता। अभिनय करने की ललक ने ही आज प्रेक्षा की जान ले ली। दरअसल ये आज बड़े सवेरे 6 बजे की घटनाक्रम है, जिसमें कि यह सूचना पुलिस को प्राप्त हुई कि बजरंग नगर में रहने वाली प्रेक्षा मेहता नामक 25 वर्षीय युवती के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या की गई है। प्रकरण में हमारा जांच अधिकारी मौके पर गए हुए हैं और मृतिका के शव का पोस्टमार्टम कार्रवाई भी कराई जा रही है। जांच के दौरान यह तथ्य भी आए हैं कि मृतिका एक कलाकार थी। अब इसके बारे में और डिटेल जानकारी जांच अधिकारी जब पूरे फैक्ट फाइंडिंग कर लेगा तब पता पड़ेगा कि उक्त युवती के द्वारा किन परिस्थितियों में यह कदम उठाया गया। दरअसल अभी सुसाइड नोट मिलने की कोई हमारे पास जानकारी नहीं है। परिजनों से चूँकि अभी वो शोका को लें, मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक जब वो थोड़ा सामान्य अवस्था में आएंगे तो उनसे इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकेगी।